नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि अगर कोई व्यक्ति यूपी पीसीएस की तैयारी करे, आईएएस पीसीएस की, और उसका पहले ही बारी में कम से कम प्री निकल जाए, तो ये सिचुएशन सबसे अच्छी होती है कि आपने तैयारी स्टार्ट की, साल भर पढ़ाई की और पहले अटेम्प्ट में ही जो है प्री निकल गया। भले ही मेंस ना निकले, फाइनल सिलेक्शन ना हो, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन प्री निकलना जरूरी होता है। मेरा ये मानना है कि अगर शुरुआत में ही अगर प्री निकल जाए, साल दो साल के अंदर प्री निकल जाए, तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। पहली चीज तो कॉन्फिडेंस देता है कि आप अगली तैयारी और कर सको, इत्मीनान से कर सको। दूसरा, जो समाज और दुनिया और परिवार प्रेशर बना रही होती है, जैसे ही प्री निकलता है व्यक्ति के ऊपर से वो प्रेशर कम हो जाता है। फैमिली को लगता है कि नहीं, ये लड़का कुछ सीरियस है, समाज को भी लगता है कि हाँ भाई टैलेंटेड बंदा है, इसे पंगे मत लो, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम शुरुआत में किसी भी तरह से प्री निकाल लें, जिससे कि हमें सुकून से 2-3 साल का समय मिल जाए कि हम अपनी तैयारी ठीक से कर पाए। क्योंकि देखिए, मान के चलिए सिविल सर्विसेज में अगर आपको आईएएस या पीसीएस कुछ भी बनना है तो 2-3 साल का तो प्लान लेकर चलना ही पड़ेगा। अगर मान लेते 3 साल का भी समय लग रहा है, तो पहले साल में कम से कम प्री निकल जाना चाहिए कि आप अगले 2 साल ठीक से मेहनत कर लो। इसीलिए जो लोग तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 2025 उनका अटेम्प्ट रहेगा, मान लो अभी 24 का अटेम्प्ट भी नहीं हुआ, जब ये वीडियो बन रहा है 24 का अटेम्प्ट भी नहीं हुआ है, मैं कहता हूँ कि 25 को जो टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे 30 साल से ऊपर की एज हो चुकी हो, हाउस वाइफ हो, या 18-17 साल के बच्चे हों, कोई भी हो, कोशिश कीजिएगा कि आप कम से कम प्री निकाल ले जाओ, ठीक है, आपको बहुत 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 बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, ठीक है, और किस तरह से हमारा अप्रोच रहे कि एग्जाम हम क्रैक कर ले जाए। तो इस वीडियो में आपको ये पूरा बताऊंगा। आपको बस इतना करना है कि इस वीडियो को तसल्ली बख्श होकर देखना है, ठीक है। लंबा वीडियो जाएगा क्योंकि बहुत कुछ मैं इस पर कवर करने जा रहा हूँ। मैं बुक्स के बारे में बता करने जा रहा हूँ, मैं स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो कम से कम ये आधे घंटे के आसपास का वीडियो रहेगा, आसानी से बैठ जाइएगा, सुकून से बैठ जाइएगा, क्योंकि तो बार बार अगर स्विच करोगे, अगर आप आधा घंटे भी सुकून से नहीं बैठ सकते, तो फिर मतलब है कि आप तैयारी करने लायक हो नहीं। फिर आप सिविल छोड़िए, कोई छोटी मोटी नौकरी करिए, वही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो पहले हम देखते हैं कि पहली बार यूपी पीसीएस प्री कैसे निकल सकता है, और ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं निकल सकता, ना निकल सकता है। प्री तो पहली बारी में कम से कम 8-10 महीने की मेहनत करने के बाद इजीली निकल सकता है। मैंने निकाला है, मैंने तो पहली बार में इंटरव्यू भी दिया हुआ है, चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, मैं कम से कम आपको प्री की बात कर रहा हूं आपके लिए। तो प्री संभव है, पहले समझते हैं कि इसमें हाउ टू क्रैक यूपीएससी प्री 2025 इन फर्स्ट अटेम्प्ट, और ये यहां पर हम चलते हैं। पहले समझते हैं स्ट्रेटजी क्या है। देखिए, ये बहुत सिंपल सी बात है, मैंने इसको समझ लेते हैं। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हमें कितने क्वेश्चन चाहिए प्री निकालने के लिए, 150 सवाल आएंगे प्री में, ठीक है। मेरा मानना है क्या है कि कुदरत ने कानून बनाया हुआ है 80% का, 80% तक की चीजें हासिल करना रिलेटिवली आसान होती है, 80% से ऊपर चीजें हासिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। 150 सवाल में अगर हम देखें तो आपको 115 से 120 ही सवाल अटेम्प्ट करने हैं, 120 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, इससे क्योंकि एक देखा गया कि 120 से ऊपर सवाल जो होते हैं वो मुश्किल हो जाते हैं, फिर ज्यादा गलत होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। और 120 का भी जो 80% होता है वो 96 होता है, तो 96 सवाल आप इजी कर सकते हो, मतलब जितने आपने अटेम्प्ट किए उसमें से राइट कितने किए, 96 राइट किए, ठीक है, और गलत कितने हुए, 24 गलत हुए, तो कैलकुलेशन करके आता है लगभग 88 क्वेश्चन के आसपास आता है। तो ये मान लेते हैं कि अगर कट ऑफ 85 के आसपास जाता है, 85 टू 90 के आसपास जाता है, तो अगर आप बहुत ही सिंपल से स्ट्रेटजी अपनाओ, जो मैं बता रहा हूं, जो जिससे कि आप 80% तक की एक्यूरेसी ला सकते हो, और कट ऑफ 85 से 90 के बीच में जाएगा, तो भी आपका बहुत इजिली कट ऑफ निकल सकता है, कोई दिक्कत समझ परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल यकीन करना है। अब जो स्ट्रेटजी है, समझिए इस बात को, देखिए तीन तरह की चीज होती है, इजी, मीडियम और टफ। तीन तरह के सवाल आएंगे, आसान, मीडियम और टफ। कोई चीज आसान है या कोई चीज टफ है वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। मेरा मानना है, सिंपल मैं डेफिनेशन बताता हूं, मेरा मानना है कि अगर चीजें बहुत सिंपल से पूछी गई हैं, जो कि किसी भी स्टैंडर्ड किताबों में दी गई है, और टू द वैसी की वैसी पूछ ली गई है, तो सवाल इजी होता है। अगर कोई चीज ऐसी है जो थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, मतलब एग्जैक्टली नहीं पूछा गया, थोड़ा थोड़ा सा घुमा के पूछा गया, थोड़ी सी छुपी हुई इन्फॉर्मेशन पूछी है, तो मीडियम हो जाएगा।
और कोई ऐसी चीज जो कि स्टैंडर्ड किताबों में नहीं है, जो कि प्रचलित किताबों में नहीं है, तो वो टफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है, मेरा मानना यह है कि हमें सिर्फ आसान, इजी और मीडियम टाइप के सवालों पर ही फोकस करना चाहिए, जिससे कि हमारे आराम से बहुत आसानी सक्सेस मिल जाएगी। यानी कि जो मैं 80% का आपको बताया, उसके अंदर देखिएगा कि इजी और मीडियम के सिर्फ वही सवाल पे हम काम कर ले। 120 मैंने बोला था, तो मैंने जो 30 सवाल बोले थे वो मुश्किल सवाल थे, वो छोड़ने को मैं पहले ही बोल चुका हूं आपको, 30 सवाल मत करा, 150 में से 30 सवाल छोड़ दीजिएगा, भूल जाइएगा, छोड़ दीजिए, सारे सवाल राइट नहीं करने होते, भूल जाइए। ठीक है, मात्र 120 सवाल जो होंगे वो इजी से मीडियम होते हैं, अगर आप सिर्फ उस पर फोकस करोगे तो आपको सफलता आराम से मिल जाएगी। यानी कि कम मेहनत करके भी आराम से निकाल सकते हो, कम मेहनत करके भी, फर्जी की मेहनत नहीं करनी, बकवास नहीं करना कि ये किताब पढ़ लें, वो किताब पढ़ लें, फलाना नोट्स पढ़ लें, जितना कम पढ़ेंगे उतना ही बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आसान और मीडियम चीजें आपको स्टैंडर्ड किताबों में स्टैंडर्ड प्रिपरेशन के साथ हो जाती हैं और उसमें सफलता हमें मिल जाएगी, ये देखा गया है। ठीक है, अच्छा, अब पहले क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े पहले समझते हैं, सीक्वेंस पढ़ते हैं। पहला है करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स बहुत जरूरी है। करंट कितना पढ़ना है, 6 महीने लग गया। रूल ऑफ थंब मेरा हमेशा मानना है कि 6 महीने से 8 महीने के बीच में करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा, 30+ सवाल आएंगे आपको। ठीक है, इसको आप ठीक ठाक से कर सकते, 6 महीने से कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसके अंदर 6 से 8 महीने करंट अफेयर्स, कुछ 3 किताबें हैं, एक किताब से काम चलेगा नहीं, कम से कम 2 से 3 किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि जिस तरह से ट्रिकी हो रहा है मामला, आपको 2-3 सोर्सेस लेकर जाना पड़ेगा। आप हो सकता है घटना चक्र पढ़ लीजिएगा, ठीक है, समसमय की आपकी क्रॉनिकल किताब बहुत अच्छी है, और आपका ई दृष्टि है, इन 3 किताबों में कम से कम 2 किताबें आप पढ़ के जाएंगे, हो सके तो 3 पढ़ लीजिएगा, नहीं तो कम से कम 2 किताबें आप पढ़ के जाएंगे। आप दोनों को ये PDF का ये पीसीएस गुरु जी का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी आप चले जाइए, वहां मिल जाएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो ये नंबर मैंने दिया हुआ है आपका, ये देखिए यहाँ पे कोर्स के बारे में, कोर्स फॉर UBPSC 25 प्री प्लस मेंस 9919521555, इस पर भी आप व्हाट्सएप करके कॉल करके इस PDF को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कोर्स परचेस करना तो कोर्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोर्स के बारे में लास्ट बताऊंगा आपको। अब सेकंड नंबर में जो आता है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, 2 तरह से काम करती है, आधे सवाल आएंगे थ्योरी से, आधे सवाल आएंगे करंट अफेयर से। लेट सपोज 20 सवाल आ रहे हैं, कितने यहां पर लिखे हुए, मतलब 15 से 20 सवाल आ रहे हैं। ठीक है, तो 15 मान लो 20 सवाल आ रहे हैं, तो 10 सवाल आपके थ्योरी के आ जाएंगे, 10 सवाल आपके करंट अफेयर्स के आ जाएंगे। थ्योरी में भी बहुत सिंपल थ्योरी पूछी जाती है, बहुत हाई फाई नहीं पूछाती, रेवेशिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है, UPSC का कॉन्टेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसी थ्योरी नहीं पूछी जाती, GDP, GNP, पर कैपिटा इनकम, गिनी कोएफिशिएंट, ऑरेंज कर्व, यही सब छोटा मोटा चीजें ही पूछ के उनका काम चल जाता है। ज्यादातर फोकस करंट अफेयर्स यानी कि इकोनॉमी के करंट अफेयर्स टॉपिक से संबंधित होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना है। किताबें 2 हैं पढ़ना चाहें, भारतीय अर्थव्यवस्था परीक्षावाणी किताब है, इसको पढ़ सकते हैं, साथ में आप घटना चक्र की किताब लगाएंगे आप, ठीक है, घटना चक्र किताब पूर्वालोकन जो है वो आप लगाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इससे आपका काम चल जाएगा। फिर हम बात करते हैं साइंस, साइंस स्कोरिंग सब्जेक्ट है, काफी है। ठीक है, इसमें लगभग 25 के आसपास सवाल आपको आते हैं। इसके लिए आपको 2 ऑप्शन है, या तो आप क्लास 6 से लेकर क्लास 10 की NCERT पढ़ लो, आप क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की इस तरह की NCERT किताब होती है वो पढ़ लो, अन्यथा ल्यूसेंट की जनरल साइंस आती है, जनरल नॉलेज की, जनरल नॉलेज है एक आती है, जनरल साइंस आती है, ल्यूसेंट की आती है, अब वो पढ़ सकते हो। ठीक है, उसमें साइंस ये NCERT का कंपाइल करके दिया है, अब वो पढ़ सकते हो, उससे भी काम चल जाएगा। साथ में आप जो है पूर्वालोकन लगाएंगे, आपके पूर्वालोकन सबकी लगानी है, पूर्वालोकन क्या है, PYQ है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, 25 से 30 सवाल के सवाल है। ठीक है, वो करना जरूरी है, तो पहले स्टैंडर्ड किताब पढ़नी है, फिर पूर्वालोकन। ये बिल्कुल मत करना कि पहले पूर्वालोकन पढ़ रहे हैं उसके बाद स्टैंडर्ड किताब नहीं पढ़ना, पहले स्टैंडर्ड किताब ही पढ़ना है, फिर पूर्वालोकन पढ़ना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती, घटनाचक पूर्वालोकन किताब है, इसको जरूर परचेस कर लीजिएगा। फिर आता है जिसमें स्कूलिंग सब्जेक्ट है, द एनवायरमेंट। ठीक है, इसके क्वेश्चंस लगभग 12 से 15 सवाल के आसपास आएंगे, इसको आप या तो NCERT से पढ़ लीजिएगा, SST वाले जो होता है ये सोशल साइंस हमारा एनवायरमेंट है, नहीं ठीक है, नहीं तो शंकर IAS के सेलेक्टिव पढ़ लीजिएगा, शंकर IAS है UPSC का, लेकिन सेलेक्टिव होकर पढ़ लीजिएगा शंकर IAS के जो है। ठीक है, और अगर आप हिंदी मीडियम के आते हैं तो आप परीक्षा वाणी की जो पारिस्थितिकी पर्यावरण है उसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको चाहिए, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये पढ़ लीजिएगा, हिंदी में पढ़ेंगे तो ये पढ़ लीजिएगा, इसमें आपके 12 से 15 सवाल आपके बन जाएंगे। साथ में जैसे मैंने कहा घटना चक्र का आपको ये किताब लगानी लगानी, घटना चक्र सबकी आती है, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, तो ये आपको पूर्वालोकन आप पर्यावरण का ले लीजिएगा, इसको लगा लीजिएगा, आपके 12 से 15 सवाल कवर हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, फिर आपका आता है ज्योग्राफी, टोटल सवाल 25 आएंगे। ठीक है, मेरा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति ज्योग्राफी को नॉर्मल तरीके से पढ़ाई करता है तो भी आराम से 15 से 17 सवाल निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, टू द पॉइंट ही आता है। इसको राइट, इसको कवर करने के NCERT पढ़ लीजिएगा क्लास 6-12। ठीक है,
साथ में निवोली पढ़ सकते हैं, तो परीक्षा वाणी भारत का भूगोल आता है, परीक्षा वाणी की भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल दो किताबें आती हैं, वो ले सकते हैं, ये भारत का भूगोल हो गया, ये विश्व का भूगोल हो गया, ठीक है, दोनों किताबें पढ़नी जरूरी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, हिंदी में है, या आप चाहें तो महेश कुमार बर्नवाल किताब आती है जो कि इंग्लिश में भी आती है और हिंदी में आती है, इसमें एक ही किताब आती है, समग्र अध्ययन लिखा हुआ है, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी लिखी है, इन किताबों के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों मर्ज करके दी गई है, तो चाहे तो आप ये किताब परचेज कर सकते हो, नहीं तो आप ये किताब विश्व का भूगोल या भारत का भूगोल परीक्षा वाणी की परचेज कर सकते हो, ये इंग्लिश में नहीं आती है, ये इंग्लिश में आती है, तो आप देख लीजिएगा, यूपीएससी वाली किताब मत पढ़ के आ जाना, ठीक है, ये वो उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, शविंदर सिंह ना पढ़ लेना, उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, ये किताब है, साथ में आप घटना चक्र लगा लीजिएगा, ठीक है, वो तो करनी करनी है, जैसे कि आपका 25 में से अगर 25 सवाल आ रहे हैं तो आराम से 17-18 सवाल निकल जाएंगे, बहुत नॉर्मल पढ़ाई के साथ, बहुत ही नॉर्मल पढ़ाई के साथ, ठीक है, निकल जाएंगे। फिर अगर पॉलिटी के 25 सवाल आते हैं पॉलिटी के, इसके लिए सबसे बेहतरीन किताब तो लक्ष्मीकांत मानी जाती है, जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषा में अवेलेबल है, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा होती है, नए बच्चों को दिक्कत आती है, लेकिन मैं कहता हूं अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि थोड़ी 1000 पन्ने की किताब है, सबकी बस की बात नहीं होती है, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इसका सब्स्टिट्यूट आता है, हिंदी में आता है, वो है भारत संविधान एवं राज्य व्यवस्था परीक्षा वाणी की किताब, बहुत अच्छी किताब है, पतली किताब है, टू द पॉइंट है, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, वो लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना चाहेंगे तो इसको पढ़ के आप काम चल जाएगा, बहुत कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, साथ में घटना चक्र आप लगा लेंगे जिससे कि आप काम भारतीय अर्थव्यवस्था घटना चक्र ठीक है ये उसमें हो जाएगा, तो 25 में से आप मांग चाहिए 20 सवाल निकल जाएंगे, 25 में से 20 सवाल आराम से इतना कर लेने भर से निकल जाएगा आपका, ज्यादा कुछ आपको दिमाग खराब करने की कोशिश करनी है। सबसे मुश्किल और सबसे ट्रिकी है हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री 24 सवाल आएंगे, 24 सवाल आते हैं, 6-6-12 यानी 6 एंशंट के, 6 मेडिवल के और 12 मॉडर्न हिस्ट्री के, जरूरी नहीं है कि यही पैटर्न रिपीट करें, 6-6-12 ही रिपीट करें, लेकिन अमूमन ऐसा ही रिपीट करता है, 24 सवाल का देखा गया है, एक ही सब्जेक्ट है जो आपको आपका समय बहुत ज्यादा लेगा, नंबर भी नहीं देगा और एनर्जी पूरी चूस लेगा और आपको होपलेस बहुत करेगा, वो है हिस्ट्री, ठीक है, इसको बहुत स्मार्टली हैंडल कीजिएगा, पढ़ना जरूरी है, आप पढ़ोगे भी, ठीक है, लेकिन नंबर स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि हिस्ट्री ही सब्जेक्ट ऐसा है कि आप कुछ भी पढ़ लो, क्वेश्चन कहीं से भी रैंडमली पूछ लिए जाते हैं, फैक्चुअल पूछ लिए जाते हैं, जिसको करना बहुत मुश्किल होता है, मेरा हमेशा मानना है कि अगर 24 सवाल आ रहे हैं तो अगर 8-10 सवाल भी हो जाए तो भगवान का धन्यवाद दे देना चाहिए, इससे ज्यादा ऊपर, क्योंकि बात आपके मेहनत और इंटेलिजेंस के ऊपर नहीं है, हिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा है जहां पर आपको फंसाया जा सकता है और ट्रैप फंस सकते हो, तो ट्रैप में मत फंसिएगा, 12 महीने हिस्ट्री रात दिन नहीं पढ़ना है, क्योंकि जितनी मेहनत आप इस पर करोगे उससे बेहतर है किसी और सब्जेक्ट पर कर लो, आपको ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट मिल जाएगा, ये स्कोरिंग नहीं है, नहीं स्कोरिंग है, अच्छा लगता है बहुत, मजा भी आता है, स्कोरिंग नहीं है, प्री ग्रेड स्कोरिंग नहीं है, मेंस में काम आ जाएगा, ठीक है, इसके लिए आप चाहे तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, क्लास 6-12 नई पुरानी जो भी एनसीईआरटी है, ठीक है, कर सकते हैं, नहीं तो दो किताबें मुझे बहुत पसंद है, एक भारतीय इतिहास, इसके अंदर मेडिवल मॉडर्न और वो भी है क्या नाम है एंशंट भी है, और एक परीक्षा वाणी किताब भी आई है जिसकी आपका इसके भी इसके अलग अलग किताबें, मतलब मॉडर्न अलग है, एंशंट अलग है, ये किताब अलग अलग में आती है, ये आपका पूरा का पूरा एक ही में मिल जाएगा, तो ये हिंदी में इंग्लिश में अवेलेबल नहीं रहेगा, इंग्लिश में किताब अवेलेबल नहीं है, इंग्लिश के लिए आपको फिर एनसीईआरटी ही पढ़ना पड़ेगा, तो हिंदी में अवेलेबल हो जाएगा। कुछ लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, मेरा मानना है कि पीसीएस प्री के लिए स्पेक्ट्रम थोड़ा सा नहीं काम आती है, मेंस के लिए काम आ जाएगी, प्री के लिए काम नहीं आएगी, क्योंकि फैक्चुअल थोड़ा डेटा कम होता है इसके अंदर स्पेक्ट्रम के अंदर, ठीक है, अच्छा, या भी देख सकते हैं जैसे कि एस के पांडे की किताब ट्रेडिशनली बहुत फेमस रही है, प्राचीन मेडिवल और मॉडर्न, ये भी आप सेट ले सकते हो, तो जो भी आपको पसंद आए आप इसमें से कोई भी किताब का सेटअप ले सकते हो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, और घटना चक्र, और अगर मैंने तो मानना है कि कोई भी एक किताब मतलब एस के पांडे ले लिया आपने, पढ़ ली एक बार, उसके बाद सिर्फ आप यहां पर घटना चक्र लगाओ, ज्यादा कोई एक्स्ट्रा किताब मत लीजिएगा, नंबर नहीं मिलने वाले, 10 क्वेश्चन पे ही फोकस कीजिएगा, 10 क्वेश्चन संभव है, 10 क्वेश्चन संभव है, ये मत सोचिएगा मैंने हिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगती है 24 में से 20 साइड कर लूंगा, वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल है 25 में से 20 पॉलिटिक्स के लिए पॉसिबल है, 25 में से 20 ज्योग्राफी के लिए पॉसिबल है, 25 में से 20 साइंस के लिए पॉसिबल है, हिस्ट्री के लिए पॉसिबल नहीं है, हिस्ट्री के लिए 10 सब बस, 10 मिल जाए बस बहुत है, इससे ज्यादा आप मत दिमाग खराब करना, इसके अंदर भारतीय इतिहास पोवलो कराया जाएगा, ठीक है, अच्छा, अब खतरा क्या है इसके अंदर, ये तो हो गया, मैं बता दिया था आपको, ठीक है, अब जो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी मैं पहले भी डिस्कस करूं, 80-20 का रेशियो है, 80% ऑफ योर क्वेश्चन विल कम फ्रॉम योर 20% ऑफ योर सिलेबस, क्या है ये, एक पैरेटो प्रिंसिपल है जो कहता है कि 80% सिलेबस आपके 80% क्वेश्चन जो है
वो 20% सिलेबस में से आएंगे। यानी मैम जो मेरा अनुभव है कि 20-25% सिलेबस जो है जो हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वहां से आते हैं। पढ़ाई तो पूरी करोगे और पढ़ना भी पहले आप पूरा पढ़ना, ठीक है, स्ट्रेटजी बाद में आती है, पहले सिलेबस कंप्लीशन आता है, सब सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। उसके बाद कौन से मुख्य मुख्य चीजें होंगी, कौन से टॉपिक हैं जहां संभावना सबसे ज्यादा होती है, वो है स्ट्रेटजी, हमें सेकंड नंबर पे आती है, फर्स्ट नंबर पे पूरा सिलेबस आता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे जो मैंने हमेशा कहा ट्रेंडिंग टॉपिक सही है, ठीक है। तो आप देखिए 2021-22-23 अगर आरओ का जो एग्जाम है जो जो टॉपिक्स आए हैं ये लिस्ट में दे दूंगा, बात मैंने बनाई हुई है। तो आप देखिए कि पॉल्यूशन हो गया, एसयूपी स्कीम हो गया, इंस्टीट्यूशंस है, स्पोर्ट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, विटामिंस है, ये सब टॉपिक्स होते हैं जो कि आपका 20% लिस्ट में से आ जाता है, ठीक है। वैसे लिस्ट में दे रखी है और जो खासकर जो कोर्स करते हैं उनको मैं पहले सिलेबस खत्म कराने के बाद इन टॉपिक्स पे पूरा फोकस कराता हूं, मैं पूरा कराता हूं, स्पेशली कराता हूं इसमें, उनको स्पेशल कि चाहे वो रिपीट सवाल आ जाए, चाहे नया सवाल आ जाए, एडवांस आ जाए, तो मैं चाहता हूं कि ये टॉपिक वो ढंग से करके जाए। और मुझे लगता है कि 25% जो टॉपिक्स हैं, 25% ये जो 20% वाला जो है, अगर इसे ठीक से कवर कर लिया जाए, यकीन मानिएगा कि हमारा 95% या 98% तक का हमारा काम पूरा हो जाता है। मतलब ये इतना जरूरी है, क्योंकि आप देखिए ना जो ट्रेंडिंग टॉपिक में जो रिपीट कर रहे हैं वो रिपीट करते आ रहे हैं, ये बड़ा अच्छा मैं इनोवेशन किया था मैंने, ठीक है। उस पर और डिस्कस मैं बाद में कर लूंगा, लेकिन आप समझिए, लेकिन पहला जो खासकर नए लोग हैं उनके लिए है कि पहले प्रिपरेशन करें पूरी, खत्म सिलेबस खत्म करें, देन स्ट्रेटजी पे आए। अगर पहले ही स्ट्रेटजी पे आ जाएंगे तो उनके लिए दिक्कत आएगी। यहां तक कि मैं जो जिनको मैं सिलेबस पढ़ाता भी हूँ, जिनको कोर्स कराता भी हूँ, तो पहले मैं उनको पूरा पढ़ाता हूँ। मेरे लिए प्रिपरेशन का मतलब शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। स्ट्रेटजी आपको 19-20 कर सकती है, लेकिन स्ट्रेटजी आपको जीरो से बिल्कुल रातों रात हीरो नहीं बन सकती। ये कोई और तंत्र मंत्र नहीं होता कि आपको कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ प्रॉपर बकायदा पढ़ाई करनी पड़ती है, इसलिए कह रहा हूँ अभी टाइम बहुत है, पढ़ना शुरू कीजिए। आपका 7-8 महीने का समय है, धीरे धीरे पढ़ाई करेंगे, चीजें हो जाएंगी। ये चीजें आपकी तैयारी को और पुख्ता करने के लिए होगा, बस इस बात को समझिए। ये शॉर्टकट मत ढूंढिएगा, शॉर्टकट ढूंढेंगे तो कभी सफल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये तो आपने कर लिया, फिर अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 15 मंथ का जो कोर्स है वो यूपीपीसीएस 2025 के लिए, अब जैसे जो बताया मैंने आपको कि जितनी किताबें को बुक लिस्ट करना बताया, वो सब बुक आप पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ मैं बता रखा है, स्ट्रेटजी बता रखी, तरीका बता रखा है, आप कर लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। मैं सब कुछ बता दिया है, कोई समस्या हो तो नंबर पे, इस नंबर पे कॉल भी कर लीजिएगा, इस नंबर पे कॉल करके मुझसे बात भी कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन खुद ना कर पाए, आपको लगे कि यार अभी भी तैयारी नहीं हो पा रही है मेरी, मुझे गाइडेंस की जरूरत पड़ रही है, तो फिर आप ये जो 15 महीने का जो आपका कोर्स है यूपीएससी 2025 वाला प्री प्लस मेंस का, इसमें वीडियोस, पीडीएफ, टेस्ट, टेस्ट सीरीज प्लस मेंटरशिप जो है वो आप ज्वाइन कर लो। देखिए कभी कभी इन्वेस्टमेंट करिए अपने ऊपर, खुद कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए, इट्स ऑल अबाउट योर सक्सेस। आप तराजू में तोलो कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो आप जो, और आपका जो सक्सेस है उसमें क्या है, क्या खोया क्या पाया। ऐसा तो नहीं कि पिछले कई सालों से आप कुछ पैसा बचाने के चक्कर में समय गवा रहे हो, एक साल गवा दिया, दो साल की नहीं पैसा ना जाए पैसा, अरे पैसा बचाने का नहीं होता भाई, बचाना है तो समय बचाओ। पैसा तो जितना आप लगाओगे उससे हजारों गुना वापस कमा ले जाओगे आप, लेकिन समय चला गया एक सेकंड वापस नहीं आ पाएगा। अगर आप खुद कर सकते हो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, मैंने बहुत कुछ बता दिया। नहीं कर सकते हो आंख बंद करके फिर आप ज्वाइन करो इसके अंदर, क्यों, क्योंकि समय बचेगा। फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा पहले कैसे पढ़ा जाता है, फिर क्या पढ़ा जाता है, उसके पूरे मेंटरशिप, क्योंकि मैंने आपको यहाँ मेंटरशिप प्रोग्राम भी है। मेंटरशिप क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग, यहाँ देखिए पर्सनल ट्यूटर आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाकर आप, तो यहाँ पर एक 1-to-1 रहेगा, आपकी प्रॉब्लम को एक 1-to-1 करता है। जैसे मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मैं आपको टॉपिक दिया था और आपसे कहा था कि आप अपना नोट्स खुद बनाओ। वैसे हमारी तरफ से नोट्स जाते हैं आपको, वीडियोज जाएंगे, पीडीएफ जाएंगे, सब जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप देखो स्टूडेंट्स द्वारा बनाया गया है, जिससे कि आपका फोकस बढ़ता है और इसके रोज कॉपी चेक होती है, व्हाट्सएप पर रोज कॉपी चेक होती है, आप फोटो खींच के भेज देते हो। तो यहाँ पे हम आपको डिसिप्लिन करते हैं, मेन डिसिप्लिन करना। जब आप डिसिप्लिन हो जाते हो, ठीक है, कॉपी चेक होती है तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा भाई, आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। आप रोज, और जिसे मान लो कि आपने व्हाट्सएप नहीं किया तो यहाँ से कॉल जाएगा, व्हाट्सएप जाएगा, भाई क्यों नहीं कर रहे हो आप, हो गए थक गए, क्यों थक गए भाई, मेहनत करो, भले ही 2 लाइन लिख के भेजो। तो हम पुश करते हैं आपको, पुश करना, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जॉब करने वाले लोग हैं नहीं, कभी कभी प्रिपरेशन ऊपर नीचे हो जाती है, तो थोड़ा धक्का मारने वाले एक सिस्टम चाहिए होता है। तो ये धक्का मारने वाला सिस्टम है कि आपको आगे बढ़ाएं, पुश करें भाई, चलो पढ़ो, ठीक है। क्योंकि जॉब करने के बाद फैमिली के साथ आसान नहीं है पढ़ाई करना, एक चाहिए होता है धक्का देने वाला बंदा कोई, ठीक है। तो वो हम आपको धक्का देकर डिसिप्लिन करते हैं, और अगर एक बार जब आपकी गाड़ी चलने लगती है ना, तो चीज़ें फिर रोलिंग ऑन, फिर सब कुछ ऐसे निकलता है, फिर आपका
सिलेक्शन यू होता है, ठीक है। तो सिस्टम बना रखा है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अरे अब देखो, जैसे कि मैंने आपको याद करने की समस्या आती बहुत जाती है, तो मैं आप देखो ये आपको मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल दीजिए, नोट्स के रूप में दिया हुआ है, बुक्स एंड ऑथर दिया हुआ है, तो अब ये बहुत फैक्चुअल होता है, मुझे पता है कि ये फैक्चुअल चीजें होंगी, याद नहीं होंगी आपसे, पढ़ने में आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। सब इंडिका ज्योग्राफी ऑफ एक्सीलेंसी ये सब जो है वो बुक्स के नाम है जो कि राइटर्स के नाम है, लेकिन याद नहीं रहता। याद करने के लिए क्या बनाए स्ट्रेटजी बनाई गई है कि देखो आपका रिटर्न डेस्क होता है, आप लिख लिख के यहाँ भेजते हो, ये इस तरह मिल जाएगा, यहाँ लिख के भेजोगे, तो चाहे वो एमसीक्यू के रूप में टेस्ट हो, चाहे आपका रिटर्न टेस्ट हो, चाहे आपका वन टू वन आपको मार्किंग करना हो, वन टू वन आपको नोट्स चेक करना हो, ये सब तरीके आपको डिसिप्लिन करना, आपकी प्रिपरेशन को मजबूत करने के लिए किया जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ ये सब अगर आप खुद कर सकते हो, मैंने बुक्स के नाम बता दी है, मैंने स्ट्रेटजी बता दी आपको, खुद कर सकते हो बहुत सी बात है, नहीं कर सकते हो किसी की हेल्प चाहिए तो छोटा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने पर कीजिए यार, आपके अपनी फैमिली पर कीजिए, करो ना फैम, क्या दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत कुछ फायदा मिल सकता है। तो ये चीजें इस तरह से आप जो है कर सकते हो। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी को कोर्स ज्वाइन करना है तो आप, अच्छा ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, 9919521555। बाकी इसी फीस के अंदर, ये 4,999 इसी फीस के अंदर एक गृह लक्ष्मियों का स्पेशल बैच, यानी कि ऐसी फीमेल बैच, और फीमेल मुझे पता है कि खासकर शादीशुदा औरत जो होती है वो थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर उसको इतना सपोर्टिव माहौल नहीं होता है, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए इसी फीस पे, जो लड़कों के लिए फीस भी है, एक बैच है इसके अंदर मनी बैक गारंटी है, अगर उनके हस्बैंड बोले हमें पैसे नहीं देंगे, क्या गारंटी भाई, कोचिंग पढ़ रही हो नहीं पढ़ रही हो, कोचिंग भाग गई, तो हम कह रहे हैं मनी बैक गारंटी है, अगर पीसीएस नहीं बन पाए ना, जो यहाँ से बताया जा रहा है, जो सिस्टम बताया जा रहा है उसे फॉलो करने के बाद भी प्री नहीं निकला, एग्जाम नहीं निकले आपके, पैसा वापस किया जाएगा, मनी बैक गारंटी, बस शर्त इतनी है, शर्त इतनी है आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, हमें अपने सिस्टम में पूरा भरोसा है, आप जब आते हो आपको फॉलो कराया जाता है, पूरा कराया जाएगा, आपसे कुछ और एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस फॉलो करो आप चीज़ों को लेकर, ये वीडियो देख लो तो आप देख लो, नोट्स बना के भेज दो, टेस्ट दे दो, बस ये सब करना है, ठीक है। और अगर नहीं होगा, या तो आप पीसेस बनोगे या तो फिर आपकी फीस वापस होगी, तो जो जिन लोगों को थोड़ा सा घर सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है, तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए हमारे तरफ से जो सपोर्ट हो सकता है वो ये कि भाई आपके अपने हस्बैंड से, अपने पापा से बात कराओ, हम आपके पापा को छोटी देंगे कि आपके अगर अपनी बेटी 5,000 रुपये भी नहीं लगा पा रहे हो तो लगाइए, आपके पैसे सेफ रहेंगे, सिर्फ ये है कि सेफ रहेंगे, आपके पैसे जाएंगे नहीं, अगर सफल नहीं हो पाएंगे तो पैसे वापस किए जाएंगे, ठीक है। इसीलिए है फीस दोनों के बराबर, अगर पुरुषों के लिए भी, पुरुषों के लिए थोड़ा सा अलग बैच है, उनके लिए अलग बैच है, उनके लिए यही बैच है, फीस वही है, फीस वही है, बस बैच अलग अलग कर रखे, ठीक है। तो आप लोग 9919521555 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं, बाकी मैंने बुक्स वगैरह बता दिया, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा।